सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन माहौल में हम। तो पिछली वीडियो पे जैसा हमने कहा था कि भाई कमेंट्स में आग लगा देना अगर तुम्हें ट्रक का व्लॉग चाहिए हो, तो आज वो दिन आ चुका है क्योंकि काफ़ी आग लगी हुई थी उसमें। तो आज हम बेसिकली मेरा जो डेली शेड्यूल होता है उसमें से हम एक दिन चूज़ कर लिया हमने, और जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रक में बैठने से लेकर लोडिंग से लेकर अनलोडिंग से लेकर सब कुछ दिखाएंगे आप तुम्हें। तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, और अगर तुम भी प्लान कर रहे हो ये सब काम करने का तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी कि ये काम होता कैसा है। ऑब्वियसली काम तो बहुत टाइप के होते हैं, हर ट्रक का काम सेम नहीं होता, बट आज हम डील करेंगे कि मेरा ट्रक का काम क्या है, कितना हमें टाइम लगता है, कैसा हमारा शेड्यूल है, क्या एक्चुअली रन शीट होती है जो फॉलो करनी पड़ती है, सारी डिटेल्स हैं वो वीडियोज में देंगे। तो चालू करते हैं इसी के साथ। तो भाई आज की जॉब शुरू करने से पहले मैं तो बताता हूँ कि ट्रक की जॉब्स में कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक मेरा वर्क एक्चुअली है क्या। तो अगर जैसे आज जैसे वुलिस का ट्रक चला रहे हैं, तो ये भी एक वुलिस का ट्रक हमारे बाजू में भी है और वुलवर्स का ही ट्रक में हम बैठे हुए हैं। तो ये होता है बेसिकली वुलिस ऑनलाइन डिलीवरी ट्रक्स। तो जो भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो कुछ भी हो, ठीक है, वुलिस रिलेटेड, वो हम आज डिलीवरी करने वाले हैं कस्टमर से घरों पर। तो वुलवर्स कभी भी ड्राइवर्स को डायरेक्ट कभी हायर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता पहली बात तो, और प्लस दो तीन फैक्टर दोहरा किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे आज मैं वुलवर्स का ट्रक चला रहा हूँ तो मेरे को डायरेक्टली वुलवर्स ने हायर नहीं किया। सिमिलरली कोई अगर कोका कोला का ट्रक चला रहा है, पेप्सी का ट्रक चला रहा है, उसको डायरेक्ट कंपनी ने हायर नहीं किया, ठीक है। वुलवर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में उस कंपनी का नाम है लिनफॉक्स। तो लिनफॉक्स क्या करती है, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो वो भी खुद काम नहीं करती, वो और डेलीगेट कर देती है टास्क सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो हायरार्की समझो, वुलवर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर आता हमारा काम। तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग होती है उसमें। तो अब तुम इमेजिन करो अगर हमें यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर अगर 30 करेट मिल रहा है, तो जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर रहा होगा उसको ज़्यादा रेट मिलेगा, और जो डायरेक्ट वुलवर्स के थ्रू कर रहा होगा उसको और ज़्यादा रेट मिलेगा। तो ये था बेसिकली कि ट्रक के काम में कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम होता है। ये हमारा एक वो भी पड़ा हुआ है मोबाइल डिवाइस जिसके थ्रू हमारा सारा काम होता है। तो ये बेसिकली कंपनी का फ़ोन है, इसमें पता लगता है कि कौन सा ड्रॉप कब देने हैं तुम्हें, ठीक है। बाकी इसमें प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा दिखाएंगे नहीं। और अभी जब हम लोडिंग कंप्लीट कर लेंगे हमारी ट्रक में, तो हमें एक रन शीट मिलेगी जिसके हिसाब से हमें एड्रेस और कस्टमर का नाम और ऑर्डर नंबर फॉलो करना होगा। तो अभी ज़्यादा बताने का फ़ायदा नहीं है, जैसे जैसे हम रूट पे होंगे नई चीज़ें याद आती रहेंगे, तो नई चीज़ें बताते रहेंगे। और ये भाई तो हमारे साथ पूरी ट्रिप पे आ जाएंगे जॉकी। और भाई ट्रक या फिर कोई भी अगर आप ट्रेडी वर्क कर रहे हो तो आपको ना हाई विजिबिलिटी क्लोथ पहनने पड़ते हैं। जैसे भाई ने ऑरेंज पहना है, बट ऑरेंज के ऊपर हमने हाई विजिबिलिटी वेस्ट पड़ा पहनवा दी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हमें रोका तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने हाई विजिबिलिटी वेस्ट क्यों नहीं पहनी। क्योंकि हम रात में काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, लोडिंग डॉक पे फोकलिफ्ट्स होती हैं, ट्रक्स आते हैं, तो उनको बंदा दूर से दिखना चाहिए कि यहाँ कुछ खड़ा है, का बंदा काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम में। चला जाए काम पे। ऑटोमेटिक है ये भी ट्रक? हाँ ये है कि मोस्टली स्मॉल ट्रक्स ज़्यादातर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बट जो भी वो बड़े रोड ट्रेन टाइप ट्रक होते हैं भाई वो ऑटोमेटिक नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको अलग ही पावर चाहिए होती है एक पिकअप की। भागता है वैसे अभी और थी? बाकी भाई अभी हम जा रहे हैं अपना सामान लोड करवाने लोडिंग डॉक पे। बिग डॉग है तो वही देख रहा हूँ। ये है वो जो ट्रक जो हम आपको बता रहे थे, इसमें आते होंगे कम से कम 15-16 पैलेट। अगर इनके कोई ड्राइवर हमारे जानकार मिला है दिखा तो बात करते उनसे। बाकी बेसिकली जब तक ये ट्रक लोड हो रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनको तो एक घंटा लग जाएगा लोड करने में। अब डिपेंड कर रहा है, अगर वो लोड कर रहा है तो घंटा लग जाएगा, अगर वो अनलोड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पैलेट से होगा तो शायद थोड़ा जल्दी काम हो जाए। तो देखा जाए उधर के। बाकी भाई इन द मीन टाइम आपको अपने ये ट्रक ही दिखा देते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल ट्रक नहीं है भाई, इसमें फ्रिज भी है और इसमें फ्रीजर भी है। खोले जा रहे हैं इसे भाई, क्योंकि एक्चुअली जैसे वुलवर्स का लोडिंग डॉक पे हैं तो हमें ग्रोसरीज का काम करना होता है, तो ग्रोसरी में सब्जियां भी होती हैं, अंडे, दूध, ब्रेड, मीट सब होता है, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेक होता है हर जगह। तो जो साइड पैनेट है ये बेसिकली एक फ्रीजर है जो कि काफ़ी ठंडा आप महसूस तो नहीं कर पाएंगे, बट देखो हल्की हल्की वो बर्फ सी जमी पड़ी है, बहुत ठंडा वैसे। और पीछे है फ्रिज,
में पूरा फ्रिज है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है मेरी ज़िंदगी में ट्रक के काम में, ट्रॉली ट्रॉली है, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग में भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। बट मोस्टली ऑर्डर छोटे होते हैं, बैग्स कैरी कर सकते हो, बट अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए 4 या 5 क्रेट वाला तो ये ट्रॉली काम आएगी भाई। ये है पूरा ट्रक, बट भाई ये है बिग डॉग तो। स्कैनिया, ये कौन सी कंपनी है? तो भाई जैसे देख रहे हो आप, ये ट्रॉली दे रखी है और ये है सारे पैलेट छोटे छोटे रखे हुए हैं, यहाँ से सामान होगा इसके अंदर पूरा लोड। और ये जो ट्रक था भाई, इसकी तो अलग ही स्टोरी होगी, वो मैं ट्रक में बैठे बैठे बताऊंगा। इन भाई के साथ तो हो गया बहुत सैड, तो ये पार्ट तो अभी क्लोज कर देगा थोड़ा ट्रक, जिससे लोडिंग थोड़ी आसान हो जाए। उसके बाद ये शायद उसी को स्लाइड करते चले आते अंदर, या कोई एक बंदा ट्रक के अंदर घुस जाएगा। मेरे को लौट नहीं वहाँ अंदर जाना, वरना मैं दिखा देता भाई उसका सीन भी। रेडी? तो भाई ऐसे होती है लोडिंग। मेरे पीछे ट्रक खड़ा, तो शायद आपको मेरी आवाज़ आ नहीं हो रही होगी क्लियर, बट वो जैसे देख रहे हो उन्होंने वो रख दी है, क्या हैं सारी ट्रेस पार्ट होने की ट्रेस के अंदर, और ट्रक मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा सा, इसलिए इसकी बहुत शोर आ रहा है। तो अभी भाई लोडिंग चल ही रही है, लोडिंग में शायद अप्रॉक्स 10 to 15 minutes लग जाते हैं, बिकॉज ये इतना बड़ा ट्रक नहीं है, बट जैसे ये ट्रक है इनमें लग जाता हूँ आधे घंटा। और ये जो साइड में जो अभी खड़ा हुआ है इसमें तो भाई 1 घंटा रफली। अभी बस वेट कर रहे हैं जल्दी से इनकी लोडिंग ख़त्म हो जाए, देन अपन निकलेंगे रन शीट को लेके। तो भाई लोडिंग हो गई है कंप्लीट, दरवाजे भी हो गए हैं ऑलमोस्ट बंद, ये शायद लास्ट दरवाज़ा है, इसके बाद अपन चलेंगे डिलीवरीज करना स्टार्ट। जैसे तुम्हें बताया था कि गन शीट मिलती है हर ऑर्डर के साथ, तो जैसे आज हमारे पास 20 ड्रॉप है, तो जैसे एक ड्रॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम आगे समझ लोगे। इसमें आज की डेट लिखी होगी, कस्टमर सर्विस का लिखा होगा, और ये होता है तुम्हारी ड्रॉप इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर नंबर ये लिखा होता है, यही सेम ऑर्डर नंबर पीछे क्रेट्स पर लिखा होगा, तो मैच करके ड्रॉप ऑफ करना होता है। देन एक टाइप ऑफ क्रेट होता है चिल्ड, और एक टाइप होता है एम्बियंट, फिर एक होता है फ्रीजर, और एक होता है सिक्योरिटी। तो चिल्ड क्वांटिटी में मोस्टली दूध और अंडे और मीट होती है, जिसको एकदम चिल्ड रखना होता है। एम्बिएंट मैटर नहीं करता, तुम चिल्ड रखो या गर्म रखो। फ्रोजन क्वांटिटी तो साइड में फ्रीजर दिखाया था, वहाँ पे जाता है वो, क्योंकि एकदम फ्रोजन आइटम होता है और घर तक फ्रोजन रहना चाहिए वो। फिर सिक्योरिटी आइटम होता है, ये सिगरेट हो सकती है, ये आपका लिकर हो सकता है, या फिर कुछ शार्प आइटम जैसे चक्कू वक्कू मंगाते हैं हम, वो हो सकता है, ताकि आप जब डिलीवरी करो तो आपको बंदे की एज वेरीफाई करनी होती है, क्योंकि जस्ट इन केस किसी ने सिगरेट मंगाई है और बंदा है माइनर लग रहा है आपको, तो आप उसकी आईडी मांग सकते हो, और अनलेस यू आर श्योर दैट कि वो बंदा 25 अबव है, तब तक आप शिपमेंट उसको नहीं दे सकते। तो बेसिकली यही रन शीट है। आज हमारे पास ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं है, ज़्यादा लोड भी नहीं है, इजी काम होगा। चलते चलते अब बातचीत चालू करते हैं। तो भाई पहले स्टॉप पे आ चुके, पहला स्टॉप लिटरली 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर था। इस भाई ने मंगाया 4 एम्बिएंट क्रेट, 1 चिल्ड क्रेट, 1 फ्रीजर क्रेट और 4 छुट्टे के डब्बे। रिच टोबैको भी ऑनलाइन मिल रहा था, ये देख तरक्की देख। तो भाई लोडिंग का भी वैसे एक तरीका होता है कि सारे हम सेम हाइट के नहीं भरते, वरना जब ट्रक हिलता है तो गिरने के बहुत चांस होते हैं। तो सबसे पीछे की जो रो है वो 4 हाई होती है, देन 3 हाई, देन 2 हाई, और अगर लोड ज़्यादा है तो हम इसको और ऊपर कर देते हैं। बट फिलहाल अनलोडिंग करते हैं और इस घर पे फेंक के आते हैं। फेंक के आते हैं। ट्रॉली चाहिए होगी भाई। भाई सामान ज़्यादा ट्रॉली के साथ ही निकाला जाएगा, और इसका घर भी ना लाइक यूनिट नंबर 2 तो अंदर जाके है। घरों में ये दिक्कत है कि जब यूनिट नंबर होता है तो अगर बाहर मिल जाए तो किस्मत, लेके जाओ। तो ये होगी भाई लोड। तो जिन लोगों को लगता है ना ट्रक का काम आसान है, भाई ये भारी होते हैं बैग्स। इसलिए देखो पे जब जिस जॉब में ज्यादा होगी उसमें काम तो तुमसे करवाएंगे, फ्री के पैसे नहीं यहाँ पे। फिर फ्रीजर का हमारा होगा यहाँ पे। अरे खुदा लौट। एफर्ट सिर्फ उतारने में नहीं है, दरवाजे खोलने में भी एफर्ट लग रहे हैं।
बेसिकली जो नंबर होता ना इस पे वो हम ऑर्डर से कॉरेस्पॉन्ड कर लेते हैं, वरना पैकेज मिक्स हो जाया करेंगे। देन गालियां, देन कंप्लेंट, उसके बाद फायर। इतने ज्यादा पैलेट हैं इसके, ये तेरे को हाथ में पकड़ना पड़ेगा। वो तो मैं कर लूंगा, ट्रॉली में सिर्फ चार क्रेट आ पाएंगे। ठीक है, केक भी मंगाया था इसने। हाँ भाई, केक मंगा रहा था। पालक के 4 किलो तो पालक है इसमें। हेल्दी ईटर है। चला जा भाई, तो वीडियो कट यहीं पे होती है। पहले इसका सामान ड्रॉप हो जाए, बाद में बताते हैं फिर। अब तो भाई बात ऐसी है कि एक ड्रॉप करके हम थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कहा पहले मील कर लिया जाए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो भाई जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई ट्रक है तो ज़्यादा मॉडर्न नहीं होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के ट्रक है, एडवांस तो बनता है इनको। ऑस्ट्रेलिया के ट्रक है, देखो ना, रियर व्यू कैमरे भी दो टाइप के, एक जिसमें क्लोज व्यू आ रहा है, एक से दूर व्यू आ रहा हो। फर्स्ट एड किट दे रखी जस्ट इन केस आप भाई कुछ उतारते समय कुछ आपको इंजरी हो जाए। कप होल्डर हमारी, एक ड्रिंक बच गई थी। एक चीज यहाँ पे स्पॉटलाइट होती है ट्रक में, जो की बहुत तेज एलईडी होती है। अभी जब अंधेरा होगा तब तुम्हें दिखाएंगे, एक इस साइड पे, इस साइड पे, मतलब अंधा करते लोगों को, पागल हो जाओगे। और रिवर्स कैमरा भी, अगर तुम रिवर्स कैमरा लगाओ एक बार तुम्हारी शक्ल आ गई। ये देखो भाई, रिवर्स कैमरा भी है ये, इसलिए क्योंकि भाई लोगों की गाड़ी में नहीं होता ये। हाँ, क्योंकि कभी कभी कहीं से भी बंदे आ सकते हैं, सो इट्स बेटर यू नो वेयर द पीपल आर कमिंग फ्रॉम। यो सो भाई, ये हमारा सेकंड ड्रॉप था, वैसे बताने भूल गए हम, अब हम जा रहे हैं थर्ड ड्रॉप पे। उसके बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ 17 ड्रॉप और बचेंगे। देखते देखते हो जाएगा, देखते देखते। और हमारा थोड़ा सा खाना बच गया था, वो रखा हुआ है, और ये बिकॉज भाई खा नहीं पाया, मैं तो अपना पूरा बड़का पूरा खा गया। पिछले 2-3 महीने से ना लगातार बारिश ऐसी दिख रही है, ये मौसम बहुत दिनों बाद दिखा हमें इतना क्लियर। हम चाहे तो तेज उड़ा सकते हैं ट्रक को, बट हम प्यार मोहब्बत से एकदम वेदर को एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि भाई डाउन करते हुए जाएंगे, क्योंकि जितने धीरे धीरे काम होगा उतने ज्यादा घंटे मिलेंगे और उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो क्या क्या जल्दबाजी काम करने की, जल्दी गुड स्ट्रेटजी। तो भाई एक्चुअली हमारा आधा काम हो चुका है, 20 ड्रॉप थे, ऑलमोस्ट हमने 9 ड्रॉप कर दिए हैं। तो हमने सोचा कि ब्रेक ले लिया जाए, टाइम हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी भाई टाइम से चल रहे हैं आगे, बिकॉज आज मैं भी आ रखा, तो हम दोनों फटाक फटाक काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम 40 मिनट्स आगे चल रहे हैं। ट्रक रोको, उतारो फैको, ट्रक रोको, उतारो फैको, तो काफ़ी क्विक फायर हो रहा, काफ़ी जल्दी काम हो रहा है। हम साउथ पार्ट के पास थे, तो हमने भाई ब्रेक ले लिया। इस जगह पे आए हमें कुछ 6-7 महीने हो गए हैं। पहले तो हम हर रात भी यहीं पे आ जाते थे, गेड़ी मारने, पानी पीने मारने। भाई देख सकते हैं रात हो गई है, हमारे ऑलमोस्ट डिलीवरी खत्म होने वाली है, शायद 4 ड्रॉप और बचे हैं, क्योंकि हमने मिलके बहुत तगड़े स्पीड पे कर दिया भाई पूरा। हम वैसे टेक्निकली टाइम के हिसाब से 1 घंटे अर्ली चल रहे हैं, नाइट शॉट ये है, ये शायद हमारा 5वां ड्रॉप है, लाइक लास्ट 5th ड्रॉप है ये। और ये देख रहे हो भाई, अलग ही वाइब आ रही है, खोल दे जा इस ट्रक को। तुम ये देखो बत्ती भी अंदर, जब हमने भरा था पूरा भरा हुआ था ये, एक्चुअली जो लास्ट की जो सेकंड लास्ट ड्रॉ दिख रही है भाई खाली हो चुकी है, सिर्फ लास्ट ड्रॉ में सामान बचा है, और ये रहे सारे एम्प्टी टोट। दूध गलती से विस्फोट हो गया, विस्फोट। ये तो होता रहता है, अभी लास्ट 5th ड्रॉप को उतारा जाए और चला जाए। बाकी व्यूज देखो भाई आप, ओ भाई साहब। तो भाई एक्चुअली में अभी आप टाइम देख लो, क्या रेडियो हो जरा, 7:15 हो रहे हैं, और हमारे एक्चुअली में जो टाइम था क्लोजिंग का वो था 9:05, मतलब 9:05 तक हमें सारी डिलीवरीज करनी थी, बट 2 घंटे पहले ही कर लिए हमने, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो फास्टर देन लाइट है। इतनी जल्दी काम कर लिया, बट तब भी हम क्लॉक ऑफ करेंगे 9 बजे, बिकॉज 2 घंटे के फ्री के पैसे तो मिलेंगे अब। अपार तो मैं जा रहे, सोच रहे हैं भाई घर जाते हैं, फिर कुछ खाने पीने का सीन देखते हैं, फिर बाद में हम ट्रक छोड़ाएंगे, क्योंकि खाली ट्रोट्स भी ड्रॉप करने हैं। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो भाई जब आपका सारा काम हो जाता है तो जो प्लास्टिक के जो ट्रेज हैं, जो टोट्स हैं, वो आपको लोडिंग डॉक वाली जगह पे जाके ड्रॉप भी करने होते हैं, वो भी प्रोसेस दिखाएंगे वीडियो के एंड में, तो अब छोड़ना मत, वीडियो एंड तक देखते रहो। और ये देख रहे हो अभी जस्ट साइड वही अंधेरा दिख रहा है, और मान लो आप भाई क्या बोलते हैं डिलीवरी कर रहे हो, तो आपको घर देखने होते हैं,
तो लाइट जलानी पड़ती। पार्थ का मैजिक बटन दबाएंगे, एक ये देख लो भाई कितनी तेज लाइट हो गई है। तो इससे आप अपने जो भी इनके घर के एड्रेस है एग्जैक्ट देख सकते हैं। लाइक ये है अगर आप नॉर्मल चला रहे हो, बट घर का नंबर बंदा कैसे देखे, तो ये है मैजिक। बहुत ही गहरी टॉर्च है भाई ये। हमारी सारी डिलीवरीज हो गई है, सब हो गया। उसके बाद आप सोच रहे हो क्या करते होंगे। ज्यादा कुछ दिमाग वाली बात नहीं है, जिस जगह से हमने लोड करा था सारा सामान उसी जगह पे आते हैं। सारे के सारे जो ट्रेस थे ग्रीन कलर के वो उतारने पड़ते हैं। उसके पीछे प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये देख रहे हो भाई। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअली हमारा ट्रक के एंड्स है। इसको हमें लेवलर डॉक लेवलर पे लेवल करना होता है, जिससे क्या है कि हमें सबसे इजी कॉन्टैक्ट हो जाए और इजीली हम टॉर्च उतार पाए। तो रात को मैं ज्यादा मिरर प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कैमरा दिया हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ट्रक भी दिख रहा है, प्लस वो जो पैड देख रहे हो, इस पैड पे सस्पेंशन होता है, तो इस पे बेसिकली आपको अपना ट्रक टच करना होता है। तो बहुत प्रिसाइजली रिवर्स कर दिया, और जैसे आप देख सकते हो कि अब बस टच होने वाला है। ये हमारा हो गया टच, अब इसको छोड़ के चलते हैं डब्बे उतारने। सीढ़ियां, तो वैसे आप देख रहे हो बहुत ही माइनर जगह है। कुछ कुछ लोडिंग डॉक में जगह ज्यादा होती है, बट इस वाले में बहुत ही कम है। बस क्या है कि मैं चढ़ जाऊं पहले, सारा स्टाफ चले जाता है, तो ऑब्वियसली कटर नहीं खोल सकते। अंदर स्टाफ होगा वो सुबह लोडिंग करेंगे। और जो टोट से इसको उतारने का मेन रीजन ये है कि जब तक हम रात को टोट उतारेंगे नहीं, तो सुबह वाले स्टॉक की लोडिंग होनी पाएगी, क्योंकि सेम टोट जाते हैं, स्टिकर उतारते हैं और नया स्टिकर लगाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टोट है वो ट्रक में ना छोड़ें। कचड़ा छोड़ सकते हैं बाकी का अपना। बाकी मैं क्या करता हूँ, जितना हाई स्टैक हो सके उतना हाई स्टैक कर दो, क्योंकि एज यू कैन सी ज़्यादा जगह नहीं है। और अभी तो हमारे पास सिर्फ 80 ग्रेड थे, अगर हमारे पास 100, 120, 140 होते तो यहाँ ठूसना काफ़ी मुश्किल होता, और जस्ट इनके सारा ठूस जाए तो भाई आप बाहर कहाँ से जाओगे। तो इसलिए मैं कोने में ठूसना प्रीफर करता हूँ। चलो हमें भाई की ज़रा हेल्प करा दो ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये पूरा काम होने के बाद लेते हैं नेक्स्ट शॉट। तो भाई जो भी रिमेनिंग कचड़ा होता है वो इसमें डाल देते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं, इसलिए बिन दो लोडिंग डॉक में दे देते हैं सीधा। और इतनी रोल बना दी हमने सारी उनकी, 6'3" की वो है हाइट उसकी। बाकी ऐसे दरवाजे बंद करते गोली होते हैं। उतरा जाए काफी केयरफुली, नहीं अच्छा हाँ इतना ऊपर नहीं है। ओहो बिन भी बंद कर दिया जाए, कैसे होता है ये छोड़ देना। सो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा मेन टारगेट था कि तुम्हें ट्रक के काम को हम बता दें। दो तीन चीज़ें हमने और की टोर्स उतारने के बाद। पहली बात तो अपने टाइम शीट भरनी होती है, जिसमें आपका स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, ब्रेक कब कब लिया वो इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा रन शीट साइन करके वापस देनी होती है। लोडिंग डॉक वैसे बंद था, हमने बाहर छोड़ दी, 9 मिली हम टोर्स के अंदर छोड़ देते हैं। तो आई नो काफ़ी डिटेल वीडियो तो नहीं थी, बट आई थिंक जो मेन मेन पॉइंट्स हमें टारगेट किए थे वो कवर हो गए होंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो भाई प्लीज़ लीव अ लाइक, और इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी ट्रक से रिलेटेड तुम्हें और कंटेंट चाहिए हो तो मेक श्योर यू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। एंड बस भाई जहाँ से ट्रक उठाया था वहीं छोड़ दिया है, गाड़ी हमारी बाजू में है। घर जाके डिनर बनाते हैं और सोते हैं, और कल दोबारा से यहीं काम पे आते हैं।